दोस्तों आज के समय में सोशल मीडिया पर सनातन धर्म बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है और उसका कारण है अब हिंदू जाग रहा है। हिंदुओं को जगाने में सबसे बड़ा हाथ है भारत के कथावाचकों का। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में अगर भारत में ये कथावाचक नहीं होते तो सनातन धर्म के बारे में लोग इतना नहीं जान पाते जितना आज जानते हैं। लेकिन इन कथावाचकों को भी यहाँ तक पहुँचने में बहुत ही संघर्ष करने पड़े। इन्हीं में से एक है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। दोस्तों आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को हर कोई जानता है, आज के समय में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लेकिन वही आज से कुछ साल पहले इन्हें कोई नहीं जानता था। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जर्नी को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेगी। दोस्तों मेरा नाम है रणछोड़ और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को आज कई सारे पढ़े लिखे लोग फ्रॉड कहते हैं और उसका कारण है कि वे लोग सनातन धर्म में होने वाली चमत्कारिक सिद्धियों को अंधविश्वास मानते हैं। वे लोग कहते हैं कि ऐसी सिद्धियां होती ही नहीं है और फिर बड़ी ही आसानी से कह देते हैं कि देवी दरबार पर स्टेज पर आने वाले लोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ही लोग होते हैं या फिर उन्हीं के द्वारा खरीदे हुए होते हैं। दोस्तों इसे जानने के लिए वीडियो में बने रहे। सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोगों को पता होगा कि हमारे धर्म में सिद्धियां होती है। हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों का दाता कहा जाता है और धीरेन्द्र शास्त्री अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उनके दादा के भी दादा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने एक पैर पर खड़े रहकर हनुमान जी की तपस्या की थी और तब उनको हनुमान जी ने दर्शन दिए थे, तभी से उनको सिद्धियां भी प्राप्त हुई तथा उनके वंश में किसी न किसी को ये सिद्धियां प्राप्त होती रहेगी ऐसा आशीर्वाद भी मिला। और तभी से श्री बागेश्वर बालाजी यानी कि हनुमान जी का मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। उनके बाद ये सिद्धियां धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी को प्राप्त हुई, वो भी इसी तरह बालाजी के दरबार में आने वाले लोगों की पर्ची बना के उनकी समस्याओं का निवारण करते थे। अब जो लोग पंडित जी को फ्रॉड कहते हैं उनको ये जानना चाहिए कि धीरेन्द्र शास्त्री जब बचपन में थे तब से उनके दादाजी के साथ मिलकर हनुमान जी की सेवा करते थे। तब वे लोग बहुत ही गरीब हुआ करते थे, इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने दादाजी से ये सवाल पूछ लिया कि सबकी समस्याओं का निवारण करते हो, हमारी भी गरीबी मिटा दो। तब उनके दादाजी ने आधी रात को धीरेन्द्र शास्त्री को पानी में डुबकी लगाकर 12 वर्ष की अवस्था में बालाजी के मंदिर के सामने खड़ा कर दिया और एक चमत्कारिक रोशनी के साथ उन्हें बालाजी द्वारा सिद्धि प्राप्त हुई। उनके दादाजी के मरने के बाद भी धीरेन्द्र शास्त्री अपने मार्ग से नहीं भटके और वे आज के मॉडर्न जमाने में भी किसी चीज से आकर्षित नहीं हुए और पूरी निष्ठा से हनुमान जी की सेवा करते रहे। अब धीरे धीरे वे भी अपने दादाजी की तरह दरबार लगाने लगे और लोगों की समस्याओं को समझकर उनका समाधान देने लगे। सोशल मीडिया का जमाना था और किसी ने इनका वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। धीरे धीरे इनके कुछ वीडियो वायरल होने लगे जिसे देखकर दरबार में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सबकी समस्याओं का समाधान कर दिया और धीरे धीरे सोशल मीडिया पर पूरी तरह छा गए। अब ऐसे चमत्कार को पढ़े लिखे लोग तो अंधविश्वास मानते थे और फिर ये खबर मीडिया वालों तक पहुंच गई। पूरे भारत की मीडिया शास्त्री जी के दरबार में उनकी सिद्धियों के बारे में जानने के लिए आ गई। कई सारी तरकीबें लगाई, खूब कोशिश की, लेकिन फिर भी पंडित जी घबराए नहीं और उन सबका सामना बड़े ही साहस के साथ किया। जब पूरे भारत की मीडिया भी उनको गलत साबित नहीं कर पाई तो कुछ इन्फ्लुएंसर उनको क्या गलत साबित करेंगे। इनके दरबार में लोगों की भीड़ 10 लाख से भी अधिक हो जाती है। अगर ये लोग भी इनके खरीदे हुए तो ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा। और एक दिन में हजारों पर्चियां भी कोई आम इंसान याद करके नहीं आ सकता। ये सब हनुमान जी द्वारा दी गई सिद्धियों का ही कमाल है। आज पंडित जी की इतनी लोकप्रियता होने के बाद भी इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। दोस्तों इस वीडियो से ये तो पता चल गया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री फ्रॉड नहीं है। लेकिन अगर आप भी हनुमान जी को मानते तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते फिर से एक नई वीडियो में।